एक और नए टॉपर से मिलते हैं जिनका ऑल इंडिया रैंक 3 है, आर्यन सेठी से, जो कि दिल्ली से हैं, डी यूनिवर्सिटी से, और ये रैंक इन्होंने फाइनल ईयर के साथ अचीव की है। और थर्ड रैंक फाइनल ईयर के साथ अचीव करना एक मायने रखती है। तो सबसे पहले आर्यन, आपको इस रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और आप लोग जो बच्चे सेशन देखोगे, आपने पहले भी सेशन देखा होगा जब वो ऑनलाइन था, पर अब क्योंकि आर्यन भोपाल में अवार्ड फंक्शन के लिए आए थे, तो आप बहुत सारी चीजें और भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो आर्यन, सबसे पहले तो आपने फाइनल के साथ रैंक अचीव किए, तो आपने निमसेट को कब सोचा और फिर आपका कॉलेज मैनेजमेंट और निमसेट मैनेजमेंट क्या था? तो सर, जब सेकेंड ईयर खत्म हो गया था एंड समर ब्रेक मिला था, तो मैंने सोचा था अब क्या करना है आगे। तो फिर मैंने एक्सप्लोर करा थोड़ा, फिर मुझे पता चला निमसेट के बारे में। एंड यूट्यूब पर आप लिखोगे निमसेट तो आपको इम्पेटस गुरुकुल तो दिखेगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सर का नाम और उनकी कोई वीडियो ना दिखे। तो फिर मेरे को वहाँ से सर के बारे में पता चला एंड फिर मैंने सोचा मैं भी ट्राई करता हूँ, बिकॉज मेरे को मैथ्स पढ़ना बहुत पसंद था। ओके, तो ये बताओ आपका फाइनल ईयर के एग्जाम कब थे? सर जून, मई जून। वो अभी जैसे चिराग ने बताया, आप और चिराग एक ही? हाँ जी सर। तो क्योंकि आपके मिड मई से स्टार्ट हुए और जून 6 को खत्म हुए, यस, तो कहीं कोई स्ट्रेस आया आपको कि कॉलेज के एग्जाम आ रहे हैं तो निमसेट का क्या होगा? बिल्कुल ऑनेस्टली बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं इसलिए इस बार पूछा, मुझसे बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं मैनेज कैसे करें। सर स्ट्रेस नहीं आया सर, नहीं। आपने कहा था कि अपनी प्रिपरेशन पर फेथ रखो, तो बस मेरे दिमाग में वही था, मैं अपनी प्रिपरेशन पर फेथ रखूंगा, फिर भगवान के हाथ में। तो 6 जून को जब आपके सेमेस्टर एग्जाम खत्म हुए, 8 जून को निमसेट था, क्या थॉट आया 6 जून को? 6 जून को ये थॉट आया, अब कुछ नया नहीं पढ़ूंगा, ना कुछ सॉल्व करने बैठूंगा, बस जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करूंगा। तो ड्यूरिंग एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, आपने निमसेट की टेस्टिंग कंटिन्यू रखी थी? टेस्टिंग कंटिन्यू रखी थी सर। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे फाइनल ईयर सेकंड ईयर में, मैं उनको बोलूंगा ये सीखने वाली बात है कि फाइनल ईयर के एग्जाम के बाद भी नो कम्प्रोमाइज, की निमसेट से कम्प्रोमाइज नहीं होगा। और शायद ये कम्प्रोमाइज जो लोग नहीं करते, अक्सर उनका ड्रॉप ईयर बच जाता है। ये जो ड्रॉप ईयर बचा है ना, देखो दो तरह के बच्चे होते हैं। एक जैसे ही कोई सुनता है कि मई में एग्जाम है, 6 जून में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 6 जून को खत्म होगा, निमसेट नहीं हो पाएगा, देन स्टॉप निमसेट और कॉलेज पे फोकस करते हैं। एक कि पता नहीं क्या होगा, दोनों में गड़बड़ कर देते हैं। आपने दोनों जगह अच्छा किया, तो आपके लिए ये चिराग हुआ, आर्यन हुआ, ये बहुत आइडियल चीजें हैं जो आप समझ सकते हो केवल 2 दिन पहले। और कई बार तो ऐसा भी होता है, वो तो किस्मत की बात है, कई बार ऐसा भी होता है कि बीच में निमसेट का एग्जाम आ जाता है। ये डीयू वालों के साथ बहुत कॉमनली होता है, तो कहीं पे कोई स्ट्रेस नहीं लिया, उसका फायदा मिला। तो आपका कॉलेज में अभी क्या CGPA रहा अभी तक का? सर 9.75। मैंने अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में ही टॉप करा है और भगवान करेंगे तो थर्ड ईयर में भी करूंगा। बिल्कुल। और एक और अच्छी बात देखिए, फर्स्ट ईयर टॉपर, सेकंड ईयर भी यूनिवर्सिटी टॉपर, और थर्ड ईयर का क्योंकि अभी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और होप है कि टॉप ही करेंगे, तो कितनी अच्छी बात है। तो वो सभी बच्चे जो सेकंड ईयर या फाइनल ईयर में हैं, पहले तो दिमाग में रख लो, अगर सोच लिया तो दोनों दोनों का मैनेजमेंट किया जा सकता है। सब कुछ दिमाग का खेल है, और जैसे आप सेमिस्टर एग्जाम दे रहे हो वैसे एक निमसेट का पेपर मान लो, है ना। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं जूनियर्स को कहूंगा कि टेस्टिंग काफी पहले से ही स्टार्ट करो, एंड सर जैसा कहते हैं कि टेस्ट मिस ना करो, तो बिल्कुल वो फॉलो करो, चाहे स्कूल कॉलेज में एग्जाम्स हो तो फिर भी यहाँ पर टेस्ट देना कंटिन्यू रखो, ताकि तुम्हें पता चलता रहे कि तुम्हें कितना आता है या कितना नहीं आता। तो मैं यही कहना चाहूँगा। तो आप ये बताओ, आपने कोई भी टेस्ट मॉक तो छोड़े नहीं थे, सारे मॉक दिए, उनके एनालिसिस किए, वो किस ढंग से करते थे? सर जैसे स्टार्टिंग में मैं जब मॉक देता था, तो आप बीच में जब टफ पेपर देते थे तब मेरे से बहुत क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होते थे, तो जब पेपर हो जाता था तो मैं पहले ट्राई करता था, मेरे से होते थे तो ठीक है, वरना मैं आपकी वीडियो देखता था, उससे पता लगता था कैसे सॉल्व करने हैं, ऐसे करता था सर मैंने। ओके, तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो निमसेट के लिए तो मिनिमम CGPA जो रिक्वायर्ड होती है, आई गेस वो 6.5 होती है, तो ट्राई करो कि 6.5 से ज़्यादा ही आ रही है, लेकिन अगर तुम पहले ही थोड़े अच्छे हो पढ़ाई में तो तुम्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, वरना ट्राई करो कि कम से कम 6.5 से ज़्यादा तो आ ही जाए। और साथ ही साथ निमसेट का पढ़ते रहो, उस पर ज़्यादा फोकस करो, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि फाइनल एग्जाम्स के चक्कर में और निमसेट बीच में आ जाए तो तुम्हारा निमसेट बेकार हो जाए और या तुम्हें ड्रॉप लेना पड़े। पहले कोशिश यही होना चाहिए कि दोनों साथ में निकालें। अच्छा चिराग, आज आपने एक अवार्ड सेरेमनी अटेंड की, पूरे दिन आप रहे, आपके मदर फादर भी आए, उनको भी बुलाता हूँ, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आज का?
सर बहुत मज़ा आया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि पोस्ट एग्जाम फन कितना बढ़िया हो सकता है, तो आज आपने फील करा दिया। और देखिए क्या होता है कि आप अभी जब तक पढ़ रहे थे आपको नहीं पता था आप कहाँ पर, जब आप अच्छी रैंक अचीव करते तो आप सेलिब्रिटी बन जाते, जैसे अभी इंडिया टीम जीत के आई तो आप देखो कि क्या हो रहा है वो आपको दिख रहा है ना, तो वैसे ही है कि लाइफ में एक सक्सेस आपको सेलिब्रिटी बना देती, तो सेलिब्रिटी बनने के लिए पर जो मेहनत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको ऐसे ही यूनिवर्सिटी में भी जाके मेहनत करनी है, अब मैं चाहूंगा कि मम्मी पापा भी आए और उनसे भी मैं बात करूं, सबसे अच्छी बात है वो आए हैं और इस अवार्ड को अटेंड किया। तो सबसे पहले तो आर्यन की ऑल इंडिया थर्ड रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो बहुत अच्छी इसकी रैंक आई है, कॉलेज में भी ये टॉपर है, तो डेफिनेटली ये एक अचीवमेंट है आपके लिए भी, प्राउड मोमेंट है। आज आपने अवार्ड सेरेमनी अटेंड की तो कैसा फील हुआ आपको? सर मतलब वो कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेडली, जब आप सोचते भी नहीं हो ना आपको बहुत सारा मिल जाता है, वो मिल जाता है। सर ऐसे सुबह से हम आपके साथ थे, मतलब फैमिली, हमारी फैमिली है, गुरुकुल एक फैमिली है। यहाँ भोपाल आने से पहले हम लोग आए ना आए क्योंकि बहुत कुछ सोच रहे थे, बट बच्चे ने कहा, और आपकी रिस्पेक्ट सबसे पहले हमारे लिए थी कि आपने बच्चे को इतने अच्छे से गाइडलाइंस दी है, जो बच्चा इधर थर्ड रैंक में आया उसकी है हार्ड वर्क आई नो, बट मेरे को ये लगता है सर ने जो उसको पेपर्स करवाए हैं ना, नो डाउट वो कोई भी नहीं करवा सकता। थैंक यू सो मच। तो आपको फिर से एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं, ये आगे भी ऐसी तरक्की करेगा, प्रोग्रेस करेगा, टच में रहेंगे, बिल्कुल टच में रहिए ऑलवेज। जो मुझे बहुत खुशी होती है जब पेरेंट्स आते हैं, क्योंकि मेरे लिए भी ये साल पूरे साल मेहनत ही, जैसे ये बच्चे ने मेहनत की रैंक अचीव किया बाकी बच्चे करते हैं, वैसे मेरे लिए जब सारे बच्चे रिजल्ट देते हैं और वो आते हैं तो बड़ी खुशी होती है, और बाद में जब कई पेरेंट्स बाई चांस नहीं आ पाते उनको लगता है आते तो अच्छा होता, तो वो इम्पोर्टेंट। तो बहुत हैप्पी है, मॉर्निंग से ही हम कह रहे हैं ना, बिल्कुल हमें ऐसे लगा है जैसे कितना बहुत हमें सेलिब्रेशन इतना अच्छा लगा कि एक एक मोमेंट हमने एंजॉय किया। पहले हम सोच नहीं रहे थे, हम सोच रहे थे चल थोड़ी देर थोड़ी आउटिंग के लिए निकल जाएंगे, मतलब आपको शेयर कर रही हूँ, भोपाल आए हैं हम कभी आए नहीं थे, चलो थोड़ा सा आउटिंग चले जाएंगे, बट इतने अच्छे मोमेंट्स थे एक के बाद एक, मन ही नहीं किया वहां से उठ के कोई पानी के लिए भी या कोई लंच के लिए भी जाए, इतना अच्छा लगा सब कुछ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, हमें भी आपके लिए भी, कि दोनों तरफ से ही मतलब बहुत अच्छा था, और सब पेरेंट्स जो आए हैं मैं तो उनको भी बहुत थैंकफुल हूँ कि सबने अपने बच्चों को सपोर्ट किया। और मैं तो कहती हूँ सब बच्चे, रैंक कुछ भी नहीं होती बच्चों, रैंक पे मत जाओ, बस अपना बेस्ट दो, हार्ड वर्क करो। इसने हार्ड वर्क किया, इसने रैंक वैंक नहीं सोची थी, और मुझे भी नहीं पता था मेरा बच्चा थर्ड रैंक लाएगा। इसका तो पेपर भी ना, जब ये आया पेपर करके तो वैसे मुझे पता था ये पूरा टाइम पढ़ता है मेरा बच्चा, सिर्फ लंच और डिनर के टाइम हमें दिखेगा, उसके बाद नहीं, पूरे दिन घर में हमें पता बच्चा कहाँ है वो पढ़ता है। तो बस इसका यही था, हार्ड वर्क किया इसने, पेपर ये कह रहा है मम्मा डिफिकल्ट आया। अब हम लोग सोच रहे हैं डिफिकल्ट पेपर है, अब टॉपर बच्चा डिफिकल्ट कह रहा है तो बच्चा कैसे करेगा, बट जब इसने सर से क्वेश्चन किए आंसर वगैरह की निकाली तो सर ने कहा डोंट वरी आपकी, मैंने इसको बोल दिया था टॉप 10 में आएगा सर, तब हमें थोड़ा बिलीव हुआ। फिर तो मुझे ये भी पता था, मैंने ये भी बोला था हो सकता है टॉप 1 टॉप 5 में आ जाओ, बस आप बच्चों हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क बेस्ट है, हार्ड वर्क का रैंक कुछ भी मैटर नहीं करता, रैंक कुछ नहीं है उसकी, 30 है उसकी, 40 है उसकी, 50 है, नथिंग डजंट मैटर, बस आप हार्ड वर्क दो और आगे जाओगे, बस हम लोगों को ये पता है। थैंक यू, हमने भी इतना नहीं सोचा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।